नमस्कार आदाब दोस्तों, मुमरा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम चलते हैं हमारे देश की राजनीतिक खबरों पर। सूत्रों अनुसार पता चला है कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर को, जो कि पिछले 152 वर्ष से इंडिया में चला आ रहा है, अप्रैल से मार्च तक के, अब इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर को मोदी गवर्नमेंट ने जनवरी से दिसंबर करने का फैसला लिया है। इसका प्रस्ताव वो 1 फरवरी को बजट सेशन में डिक्लेयर करेगा। उन्होंने 2 साल पहले ही एक हाई लेवल कमेटी मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, जिसके प्रेसिडेंट वीरप्पा मोइली थे, जिन्होंने 2017 में करने पर कंसेंट दिया था। अब ये देखना ये है कि इससे हमारे देश को कितना नुकसान होता है और कितना फ़ायदा होता है। और मोदी गवर्नमेंट ने सिफारिश में कहते हुए ये बताया है कि ऐसा करने से इंडिया के इंटरनेशनल मार्केट में जो बिज़नेस एक्सपेंडिचर है और जो बिज़नेस में इंक्रीज़ होने की संभावना है वो दुगनी हो जाएगी। अब देखते हैं कि ये फाइनेंशियल ईयर को, जो उन्होंने 152 साल से हमारे एक संविधान का हिस्सा बना हुआ है, इसे भी बदलने की मोदी गवर्नमेंट की जो कोशिश है वो कहाँ तक के कामयाब होगी। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। और हमसे जुड़े रहने के लिए नीचे बेल आइकन दबाना ना।